स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैव ए नाइस डे। इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ द ट्रांसलेशन वर्क्स, हाउ इज दिस टाइप ऑफ जॉब, इज दिस सिंपल और डिफिकल्ट, हैज देयर कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी। वी फील that there is no simplicity but complexity is better prevalent. So in this practice set of translation we will see some sentences again and try to translate them into English. The sentences will be both in past tense and future tense. In the previous session we discussed present tense along with its continuous perfect and perfect continuous form. In this topic we will discuss about the sentences translating from Hindi to English. हम इसमें कुछ हिंदी भाषा के सेंटेंस देंगे, साथ साथ में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उसको करना है। पहला सेंटेंस, आज अध्यापक ने हमें सजा दी। सजा पनिशमेंट, द टीचर पनिश्ड अस टुडे। देखो सेंटेंस से लगकर ऐसा लगता है जैसे टुडे वर्तमान काल में हो, लेकिन टुडे यहाँ पे आप ये देखते हैं कि जैसे पूरा दिन सुबह की बात हुई, द टीचर ने हमें सुबह पनिशमेंट दिया, द टीचर पनिश्ड अस टुडे। क्या उसने चोरी की, डिड ही कमिट थेफ्ट। क्या उसने चोरी स्वीकार किया, की डिड ही कमिट थेफ्ट। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, Why did Rudra tear the book? Tear means फाड़ना। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, He didn't deceive you. Present tense के बाद past tense के कुछ sentences जिसमें हम second form का प्रयोग करते हैं, second form नहीं तो हम did के साथ plus form first form का प्रयोग करते हैं, otherwise negative sentence में भी हम did not plus verb की first form का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस जैसे, उसकी नाक से खून नहीं आ रहा था, हिज नोज वॉज नॉट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग खून आना। क्या उसकी नाक बह रही थी, वॉज हिज नोज रनिंग। तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, वाई वर यू मेकिंग फन ऑफ हिम। वह पेंटिंग बना चुका था, He had made painting, ये past perfect tense। उसने painting बना ली थी, He had made painting। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, We had not invited him। क्या उसने उम्मीद छोड़ दी थी, Had he given up the hope। तुमने ये फिल्म कब देखी थी, When had you seen this movie। अब हम इसमें देखेंगे कुछ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के भी हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। जैसे वह सुबह से सब्जियां काट रहे थे, हम सुबह से सब्जियां काट रहे थे, We had been chopping vegetables since morning। सब्जियां काटने के लिए चॉपिंग वर्ड का यूज किया जाता है, We had been chopping vegetables since morning। तुम्हारा भाई आधे घंटे से नहा रहा था, Your brother had been taking bath for half an hour। क्या वे सुबह से जमीन खोद रहे थे, Had they been digging the land since morning। Had they been digging the land since मॉर्निंग। किंजल व रुद्र सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे थे, किंजल एंड रुद्र हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। वह आधे घंटे से पेंटिंग नहीं कर रही थी, क्या उसने तुम्हें पहचाना, वह मजदूरों से काम करवा रहा था, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है।
तुम्हारा पेन किसने चुराया। पांच सेंटेंस जो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हैं, इनका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, वह आधे घंटे से पेंटिंग कर रही थी। सी हैज़ बीन पेंटिंग फॉर हाफ एन आवर। फोर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि अनिश्चित समय है। इसमें सॉरी हैज बीन नहीं आएगा, हैड बीन आएगा, मिसप्रिंट हो गया। सी हैड बीन नॉट हैज बीन, हैड बीन आएगा। सी हैड बीन पेंटिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या तुमने उसे पहचाना, डू यू रिकॉग्नाइज हर, नहीं डिड यू रिकॉग्नाइज हर। यहाँ भी सेंटेंस में गलती हुई है। क्या तुमने उसे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज हर, सही है डिड यू रिकॉग्नाइज हर, सही है। वह मजदूरों से काम करवा रहा था, ही वॉज मेकिंग द लेबरर्स डू वर्क। यहाँ पे मेकिंग है, एक पॉजिटिव वर्ब है। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है, हैव यू फाउंड हर, हैव यू फाउंड हर। तुम्हारा पेन किसने चुराया है, हु हैज स्टोलन योर पेन। तो छोटे सेंटेंस में आपने इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस में है, इसमें आपको सेंटेंस में कुछ हम इस मुश्किल की घड़ी में उसकी सहायता करेंगे, वी विल हेल्प हिम इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, वी विल हेल्प हिम इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। वह न तो चाय पिएगा और न ही कॉफी, हम इस मुश्किल की घड़ी में उसके साथ, वी विल हेल्प हिम इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। वह न तो चाय पिएगा और न ही कॉफी, ही विल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। क्या तुम उसका ख्याल रखोगे, विल यू टेक केयर ऑफ हिम। वही समय प्रश्न याद कर रही होगी, सी विल बी मेमोराइजिंग द क्वेश्चंस दिस टाइम। वहाँ बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग देयर। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी हैं, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के होंगे। क्या वे नींबू पानी पी रहे होंगे, विल दे बी टेकिंग लेमोनेड, नींबू पानी लेमोनेड। क्या वह झूठ बोल रहा होगा, विल ही बी टेलिंग लाई, विल ही बी टेलिंग लाई। वह झूठ क्यों बोल रहा होगा, वाई विल बी ही टेलिंग ए लाई। वह बिस्तर लगा चुकी होगी, शी विल हैव मेड द बेड, शी विल हैव मेड द बेड। उन्होंने कविता नहीं लिखी होगी, दे विल नॉट हैव रिटन ए पोएम, दे विल नॉट हैव रिटन ए पोएम। क्या तुमने उसे पहचान लिया होगा, विल ही हैव रिकॉग्नाइज्ड यू, विल ही हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। क्या तुमने उसे पहचान लिया होगा, जॉन ने उसे धोखा क्यों दिया होगा, वाई विल जॉन हैव डिसीव्ड। वह सुबह से भजन गा रही होगी, शी विल हैव बीन सिंगिंग हिमन्स सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से सांप सीढ़ी खेल रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग स्नेक्स एंड लेडर्स सिंस मॉर्निंग। क्या 2010 से स्कूल में पढ़ा रही होगी, विल शी हैव बीन टीचिंग द स्कूल सिंस 2010। वे आधे घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे, विच बुक विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर। स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में मिले हैं। थोड़ा सा इसमें आपको कठिनाई भी फील होगी क्योंकि सेंटेंस सिंपल ना हो कि कॉलेज लेवल के स्तर से थोड़े से कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे। आपको सबसे पहले इसमें अपने वर्ड जो पावर है, मीनिंग है, डिक्शनरी है, इसके लिए आपको अपनी वोकेबुलरी भी रिच करनी होगी, स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, तभी आप सेंटेंस को, ट्रांसलेशन को आगे मजबूत बनाओगे। क्योंकि सेंटेंस दिखते कैसे हैं, बनाना उनको दूसरी लैंग्वेज में है, तो आपको केवल सरफेस सतही तौर पे इसकी स्टडी नहीं करनी है, डीपली आपको इसमें जाना है। और ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो आप उसमें अपने आप को काफ़ी एक मास्टर आप अपने आप को फील करेंगे, उस पर आपका एक कंट्रोल होगा। जैसे हमने सेंटेंस में पहला सेंटेंस आपको थोड़ा अजीब लगा कि सर ने टुडे वर्ड दे दिया है और सेकंड फॉर्म दे दी है, ऐसा नहीं है। एक मिनट पहले का भी कोई टास्क होता है, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो वो पास्ट टेंस में ही आएगा, चाहे वो वर्तमान में ही क्यों। इसलिए टेंस लगते सिंपल हैं लेकिन उसकी जो हिडन है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अध्यापक ने आज हमें सजा दी, द टीचर पनिश्ड अस टुडे, सेकंड फॉर्म विद मॉडर्न टेंस। क्या उसने चोरी की? अब जैसे कमिट शब्द है, कमिट शब्द का मतलब होता है करना, ये चोरी करना या फिर कोई ऐसी घटना जिसके साथ होती है उसके साथ में कमिट वर्ड यूज किया जाता है, डिड ही कमिट थेफ्ट, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ही डिड नॉट डिसीव यू। इसके अलावा उसके नाक से खून नहीं बह रहा था, द नोज वॉज नॉट ब्लीडिंग। कंटिन्यूस टेंस में आपको ing का फॉर्म तो प्रयोग करना ही है। दूसरे में देखना, नाक बह रही थी तो रनिंग का नोज रनिंग, मजाक उड़ाने के लिए मेकिंग फन ऑफ हिम आपको वर्ड यूज करना है। वह पेंटिंग बना चुका था, ही हैड मेड पेंटिंग, उसने पेंटिंग बना ली थी, ही हैड मेड पेंटिंग, हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, वी हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। क्या उसने उम्मीद छोड़ दी थी? हैड ही गिवन अप द होप। अब देखिए उम्मीद छोड़ना, आपको फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया, गिव अप होता है त्यागना, छोड़ देना, तो आपको इसमें प्रोवर्ब का भी इस्तेमाल करना है। तुमने फिल्म कब देखी थी? वेन हैड यू सीन दिस मूवी। अब सब्जियां काटने के लिए हमने चॉपिंग वर्ड यूज किया है, हम सबसे सुबह सब्जियां काट रहे थे, वी हैड बीन चॉपिंग वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई आधे घंटे से नहा रहा था, योर ब्रदर हैड बीन टेकिंग बाथ फॉर हाफ एन आवर। क्या वे सुबह से जमीन खोद रहे थे? हैड दे बीन डिगिंग द लैंड सिंस मॉर्निंग। किंजल व रुद्र सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे थे, किंजल एंड रुद्र हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। वह आधे घंटे से पेंटिंग कर रही थी, सी हैज बीन पेंटिंग फॉर हाफ एन आवर, ये कर रही थी आएगा तो सी हैड बीन आएगा, हैज बीन, ही हैड बीन पेंटिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या तुमने उसे पहचाना? डिड यू रिकॉग्नाइज हर। वह मजदूर से काम करवा रहा था, ही वॉज मेकिंग द लेबर्स डू वर्क। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? हैव यू फाउंड हर। ये पेन तुमने किसे चुराया? वो है सिस्टर ने। स्टूडेंट्स को सेंटेंस रिपीट किए गए हैं आपकी नॉलेज के लिए, आपने सेंटेंस को, टॉपिक को अच्छी तरह से समझा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है लगभग आपका यही ख़त्म होता है, 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में इससे पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर टू मेक अनदर सेंटेंसेस from Hindi to English and it is scoring. Thanks again. Thanks for your nice cooperation. Thanks.